मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज असे पढ़ांगे धुनि संपर्दा बारे। ठीक है, धुनि संपर्दा की आ जड़े जे असि भारतीय आलोचकों की गल करिए भारतीय आलोचकों ने साडे कोल छे सिद्धांत पेश किए आ, जिन्हां दे विचों फर्स्ट है काव्य, अलंकार, रास, थर्ड है कृति, फोर्थ है वक्रोक्ति, फिफ्थ है औचित्य, सिक्स है ध्वनि। ठीक है जी, साडे कोले इह छे सिद्धांत ने जिन्हां दे विचों अज असीं ध्वनि दे बारे पढ़ना। जे असीं ध्वनि दी गल करिए तां ध्वनि संपर्दा है इक बहुत महत्वपूर्ण संपर्दा है। जिहड़े प्राचीन विद्वान सी सारिआं ने आपो अपने सिद्धांतां नूं पेश करके किसी नूं ध्वनि नूं काव्य दी आत्मा कहा, किसी ने रीति नूं कहा, किसी ने उकरोक्ति नूं कहा, मतलब सारे विद्वानां ने आपो अपनियां परिभाषावां दित्तियां। ठीक है, हुण असीं गल करदे आं ध्वनि सिद्धांत दी। जिहड़े ध्वनि सिद्धांत सी, ध्वनि सिद्धांत दे कर्ता कौण सी? आनंद वर्धन। ध्वनि सिद्धांत दे कर्ता आनंद वर्धन, आनंद वर्धन से जड़ा वो ध्वनि सिद्धांत का करता से। ठीक है, उन्हें ध्वनि के भेद उपभेद से सर्वंशा का सिद्धांत करके ध्वनि के सिद्धांतों की व्याख्या की। ठीक है, तो जड़ा मेन मुख्य रूप के आनंद वर्धन ही मनिया जाता। इस तो इलावा अभिनव गुप्त हो गया, मम्मट हो गया, विश्वनाथ, जगन्नाथ जिहड़े अगों इहदे समर्थक बने। ठीक है, हुण असीं गल करते हैं भी ध्वनि का अर्थ की है। ध्वनि का अर्थ है आवाज। जो असीं बोलदे आं साडे मूंह दे विचों जिहड़ियां आवाजां निकलदियां ने उहनूं ध्वनि कहा जांदा। ठीक है, शब्दां दी छोटी तों छोटी सार्थिक इकाई ध्वनि आ। ठीक है, जे असीं ध्वनि दी गल करिए तां ध्वनि काव्य दे प्रसंग विच उह काव्य प्रसंग आ जिस विच रमज जां व्यंग दी प्रधानता हुंदी है, उस काव्य दा सहज उस रमज उत्ते आधारित हुंदा। ठीक है, बहुत सारे विद्वानां ने ध्वनि दे बारे अपनियां परिभाषावां दित्तियां, जिहदे विच असीं फर्स्ट गल करदे आं आनंद वर्धन अनुसार। वर्धन अनुसार आनंद वर्धन ध्वनि दे बारे की कहिंदा, जिथे शब्द ते अर्थ आपो अपने खेतर तों उपर उठ के शब्द शक्ति दे राही किसे अनोखे व्यंग अर्थ नूं जाहिर करदे आ ਉਹ ਧੁਨੀ ਕਾਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਰਧਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੁਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਮੰਮੜ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਮੜ ਆ, ਮੰਮੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਮੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਨਾਲੋਂ ਵਿਅੰਗ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਵਿਕ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਅੰਗ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਕਾਵਿਕ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਸੀ, ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਵੀ ਧੁਨੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਯੰਤਰ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਸਫੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧੁਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੁਨੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ,
फिर गल करांगे केड़ियां केड़ियां शब्द शक्तियां ने। जिदे विच सब तो पहले असीं गल करदे आं शब्दां दी। शब्द की हुंदे आ? काव दे विच परोए शब्दां दे राही ही धुनी उत्पन्न हुंदी आ। जिन्ना टाइम धुनी नहीं होगी उन्ना टाइम शब्दों की रचना नहीं होगी। ठीक है, जे असीं अपने मूंह दे विचों कोई आवाजा कढ़ांगे उन्हां नूं काव दे रूप विच विचारां दा रूप देवांगे तां उन्हूं शब्द कहिंदे आ। ठीक है जी, कोशगित अनुसार कोशगित की कहिंदा वी जिहड़ा शब्दों का अर्थ है वह की है? काट कढ़ना, किसी चीज़ की काट कढ़ना। पंडित राम देहन के अनुसार जिहड़ी धुनी ते अर्थ दोहां दे समेल तों शब्दों की उपज हुंदी है। जे धुनी ते शब्द होणगे तां अर्थ बणगे, जे धुनी ते अर्थ होणगे तां शब्द बणगे। ठीक है जी, हुण असीं नैक्सट गल करदे आ अर्थ की हुंदे आ। अर्थां दी रचना शब्दों के सहारे होगी। ठीक है, जिहड़ियां आवाजां साडे मूंह दे विचों निकलदियां उह धुनियां ने। धुनियां नूं लिखती रूप विच लिखण लई साडे कोल शब्द होने चाहीदे। जे शब्दां नूं असीं लिखती रूप दे विच लिखांगे तां अर्थां दी रचना होगी। ठीक है, अर्थ की आ? अर्थां दी होंद शब्दां दे नाल ही संबंधित है। शब्द धुनियां नूं सुणन, पढ़न, उचारण जां जो भाव साडे मन दे विच पैदा हुंदे आ उही अर्थ आ। ठीक है जी, मिसामक दे अनुसार शब्द विच अर्थ सुत्ते सिद्ध लुकिया पिया है। शब्दां दे विच मतलब जदों शब्दां दी रचना कीती है तां शब्दां दे नाल ही अर्थ बनदे आ। ठीक है, हुण असीं नैक्सट गल करदे आ शब्द शक्तियां दी। कि एक शब्द तो कई अर्थां दा ज्ञान हुंदा, जे शब्द होणगे तां ही अर्थां दा ज्ञान होगा। इसलिए शब्द दीआं एक तो वध शक्तियां शब्द काव दे वातावरण विच नवीं ते अनोखी धुनी कढ़दी। हुण किहड़ियां किहड़ियां शब्द शक्तियां, जिहदे विच सब तो फर्स्ट है अभिदा। अभिदा शक्ति एक मुढ़ली ते जठेरी शक्ति है। जठेरी मतलब जेठे सब तो वड्डी शक्ति है। शब्द दा मुढ़ले अर्थ विच जिस शक्ति राही बोध हुंदा, शब्दां दा जिस शक्ति दे नाल बोध हुंदा, जिस शक्ति दे नाल स्टार्टिंग हुंदी आ उहनूं अभिदा कहा जांदा। अभिदा शक्ति राही असीं हरेक शब्द दे पहले अर्थ जानने विच समर्थ हुंदे आ। मतलब जे साडे कोल अभिदा शक्ति होगी तां शब्दां दे अर्थ आ जिहड़े असीं चंगी तरह जाण लवांगे। ठीक है, नगेश भट्ट की कहिंदा? शब्द ते अर्थ दा इक विलक्षण संबंध ही शक्ति है। कहिंदे जदों शब्दां ते अर्थां दा आपसी संबंध बण जांदा तां ही इक शक्ति बण जांदी है जिहड़ी ज्ञान दा अर्थ करवांदी, किसे चीज़ दा ज्ञान दा अर्थ करवांदी है। इसे शक्ति नूं ही अभिदा शक्ति कहा जांदा। ठीक है जी, ये अभिदा शक्ति दो तरह दीआं हुंदीआं। फर्स्ट है रूढ़ी अभिदा, सेकंड है जोग अभिदा। है रूढ़ी अभिदा, सेकंड है जोग अभिदा। फर्स्ट असीं गल करदे आं रूढ़ी अभिदा दी। ओह शब्द जिन्हां दे ना तां व्युत्पत्ति दा पता लगदा ते ना ही इन्हां दे अंगन खेड राही पिछोकड़ दर्शाया जांदा। ठीक है, उहनूं रूढ़ी अभिदा कहिंदे आ। जोग अभिदा की हुंदी आ? जोग अभिदा जिथे शब्दां ते अर्थां दे आपस दे विच मिलण दे नाल ही किसे वखरे शक्ति दा पता लगदा है उहनूं जोग अभिदा कहिंदे आ। ठीक है, जिहड़ा शब्द दा अर्थ है अंगन खेड करके कढ़िया जांदा, जे अंगन खेड होऊगा तां ही जिहड़े शब्दां दे अर्थ कढ़े जाणगे। ठीक है जी, हुण नैक्सट गल करदी आ इहदी, थर्ड है जोग रूढ़ी अभिदा। तीनों शक्तियां ने, यह सारिया तीनों शक्तियां अभिदा दियां ने। ठीक है, अभिदा दियां किस्मां ने? जिहड़े शब्द का जोग अर्थ होवे पर उसकी रूढ़ी किसी होर अर्थ विच पै जावे, मतलब जिहड़ा अर्थ आ उह जोग होवे पर जिहड़े उहदे अर्थ ने उह किसी होर दे नाल मिलदे जुलदे आ, उहनूं जोग रूढ़ी अभिदा कहिंदे आ। ठीक है, सेकंड गल करदे आ असीं लक्षणा शक्ति दी। लक्षणा शक्ति लक्षणा शक्ति की आ? जिहदा लक्षक प्रतक तौर ते संखेतक अर्थ दा ज्ञान हुंदा है, मतलब प्रतक तौर ते संखेत रूप विच अर्थां दा ज्ञान हुंदा उत्थे अभिदा वाचक कहिंदे आ। पर लक्षणा शक्ति द्वारा किसे होर अर्थ दा ज्ञान हुंदा। जदों काव दे विच शब्दां दे अर्थ करन वेले अभिदा शक्ति राही गल स्पष्ट ना होवे, कहिंदे जदों वी शब्दां दे अर्थां दा ज्ञान करवाउणा जे अभिदा शक्ति दे नाल इह गल स्पष्ट नहीं हुंदी तां उत्थे लक्षणा शक्ति दी वरतों कीती जांदी आ। ठीक है जी, मम्मट की कहिंदा?
ਮੁੱਖ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਂ ਤੇ ਰੂੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਅਭਿਦਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਤੇ ਵਾਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਆਨੰਦ ਵਰਧਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਭਿਦਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਭਿਦਾ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅੰਜਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਧੁਨੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ।